आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकार हो खताबी, खताएं करते भी हो, खताएं ढूंढते भी हो, तुम खताकार हो खताबी, वो आपस में करीम। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी, ये कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी है। अल्लाह ने फरमाया, हबीब इनसे फरमाइए कि मैं तुमसे अजरे रिसालत कोई चीज तलब नहीं करता। जो भी मैंने तुम्हें सिखाया, बताया, जहां तक ले गया, इसका मुआवजा कुछ भी तलब नहीं करता सिवाय मवद्दत अहले बैत के। अच्छा, मवद्दत अहले बैत क्या है? मोहब्बत और चीज है, मवद्दत और चीज है। मछली को आप पानी से निकालें तो मछली मर जाती है, क्यों? इसलिए नहीं कि उसको पानी से मोहब्बत होती है, इसलिए कि उसे पानी से मवद्दत होती है। मवद्दत ये चीज है। तो अल्लाह ने जो लफ्ज फरमाया वो मवद्दत का फरमाया, मोहब्बत तो उससे नीचे दर्जे की बात है। पास ही रखो अपने ये जो फिरके तुम्हारे हैं, पास ही रखो अपने ये जो फिरके तुम्हारे हैं, उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना। मेरे कायद कायदे रूहानी इंकलाब सूफी मसूदा ने सिद्दीकी नफानी सरकार साहब ने बहुत साल पहले ये नारा लगाया कि इंसानियत पहले है, मजाहब बाद में। नबी के नूरे ऐन जैसा कोई नहीं है, हुसैन जैसा जनाब जहरा के चैन जैसा कोई नहीं है, हुसैन जैसा नबी के कंधों पे चढ़ने वाले, अली की गोदी में पलने वाले, न कोई मेरे हसन का सानी, न कोई मेरे हुसैन जैसा। लख्त जिगर फातिमा हैदर के नूरे सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। शोहदा में शान आप ही की सरफराज है, शान आप ही की सरफराज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। जनाब जहरा के चैन जैसा कोई नहीं है।